मुलायम सिंह यादव का गढ़ और गढ़ क्या घर कह सकते हैं और अखिलेश यादव का गांव सैफई मैनपुरी से समाजवादी पार्टी ने डिम्पल यादव को प्रत्याशी चुना है और आज अभी इस वक्त वो हमारे साथ हैं उनसे जानेंगे कि मैनपुरी का माहौल क्या है और मैनपुरी के मुद्दे क्या हैं तो घर में जब बहू आती है तो सारी जिम्मेदारी उसे सौंपी जाती है कि अब तुम्हें संभालना है आपको तो पूरी विरासत ही मिल गई नेताजी की हाउ डू यू सी दैट सबसे पहली बात तो जब घर में बहू आती है तो एकदम से ज़िम्मेदारी नहीं दी जाती है क्योंकि सासू माँ चाहती हैं ज़िम्मेदारी उन्हीं के पास रहे सो <laughs> <So, laughs> पहली बात तो ये एंड मैं समझती हूँ क्योंकि ज़िम्मेदारी बड़ी है क्योंकि मेनपुरी से नेताजी का यह कर्मस्थली रही है और यहीं से नेताजी धरती पुत्र कहलाए क्योंकि उन्होंने लोगों के लिए यहाँ पर इतने कार्य किए इतने काम करे हैं और मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और मैं धन्यवाद भी देना चाहूँगी पार्टी को कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं यहाँ से दोबारा चुनाव लड़ सकूँ उनके बाद ये चुनाव कितना बदलने वाला है मतलब ज़मीनी हकीकत अगर हम जानना चाहें तो नेताजी के बाद क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेगा या आप ही रोड शो कर रही हैं जनसभाएं कर रही हैं लोगों के बीच में हैं तो क्या कुछ लग रहा है कुछ बदला है Uh, मैं समझती हूँ लोग बहुत ही उत्साहित हैं बिकॉज आप जब सीधे लोगों से संपर्क करते हैं और कहीं ना कहीं सभी लोग जो क्षेत्र के हैं नेताजी से जुड़े हुए हैं और तो मैं समझती हूँ जो भाव और जो एक्सप्रेशन uh, uh, जो होते हैं लोगों के वो एकदम ही अलग होते हैं बहुत ही भावात्मक होते हैं एंड इट इज़ लेस लाइक पॉलिटिकल एंड इट इज़ लाइक मोर पर्सनल तो मतलब सिंपैथी फैक्टर काम करने वाला है एज़ पीपल से पिछली बार तो सिंपती में वोट मिल गया मैं समझती हूँ लोगों का विश्वास समाजवादी पार्टी पे काम करने वाला है ओके okay. अभी हम देख रहे थे कि अदिति चुनाव प्रचार में उतरी हुई हैं तो

तो आपको लगता है कि कोर वोटर शिफ्ट होगा नहीं यहाँ पे कोई uh, कोर वोटर शिफ्ट नहीं होगा मार्जिन का ही बस अब सवाल है कि हम कितना ज़्यादा बढ़ा ले जाएं जब आपकी बात आती है तो पॉलिटिकल लीडर से ज़्यादा आपकी साड़ी और आपकी सादगी की बात होती है थैंक यू सो मच तो आपको भी ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं एंड डू यू लाइक दैट कि एक पॉलिटिकल लीडर होने के नाते बात तो पॉलिटिक्स की होनी चाहिए कि ओके शी इज़ अ गुड लीडर साड़ी और सादगी की बात नहीं बट इट्स ओके मतलब सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है एंड इट्स फाइन पॉलिटिकल लीडर्स ना इंपेशेंट दिखाई देते हैं कभी कुछ हुआ तो तल्ख हो गए कभी हुआ तो थोड़ा एग्रेशन सामने आ ही जाता है लेकिन आप कभी ऐसे दिखाई नहीं रही नहीं, तो कभी-कभार आ जाता है बिकॉज़ आप यू कैन नॉट आप एक्सटेटिक रहे ही नहीं सकते हो मतलब सो इट इज़ लाइक ठीक है बिकॉज जर्नलिस्ट ऑल्सो मैं समझती हूँ आप अभी शांत दिखाई दे रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं आप भी थोड़ा सा टेंशन या थोड़ा सा वो ये स्वाभाविक है हाउ डू यू डील इट्स ओके जो बात हो गई सो हो गई तो <laughs> so, समाजवादी पार्टी ने इस बार चुनाव में पी डी ए का मुद्दा उठाया तो लगता है कि पिछड़ा दलित तो और अल्पसंख्यक की जो रणनीति है वो काम आने वाली है तो कहा है कि पिछड़ा दलित तो और अल्पसंख्यक की रणनीति काम आएगी इसी के साथ हमारे ए में आधी आबादी भी इंक्लूडेड है और ए में हमारी अगड़े भी इंक्लूडेड है तो हम किसी वर्ग या किसी समाज को छोड़ नहीं रहे अपने पी के इस नारे में एक ट्रेंड की तरफ इशारा करूँगी थोड़ा अगर मैं डेटा की बात करूँ तो 2009 में बीजेपी का वोट परसेंट 8.1 था मैनपुरी में और 2014 में बढ़ कर ये लगभग 23 हो गया और फिर 19 में चवालीस पॉइंट चार पहुंच गया वोट परसेंट बीजेपी का बढ़ रहा है और एसपी का वोट शेयर कम हो रहा है तो आपको क्या लगता है कि इस चुनाव में इसका असर देखने को मिलेगा मैं समझती हूँ जब हमारे उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए थे तो समाजवादी पार्टी का वोट परसेंटेज बढ़ा था जहाँ हम 29 नाइन परसेंट पर सरकार बना ले गए थे वहीं हम 34 परसेंट में भी सरकार नहीं बना ले गए थे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का वोट परसेंटेज हमसे ज़्यादा बढ़ा था इस्पेक्टिव द फैक्ट कि हमारा भी काफ़ी हद तक बढ़ा था लेकिन इस बार परिस्थितियाँ अलग हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि समाजवादी पार्टी मेनपुरी से अच्छी जीत दर्ज कराने जा रही है